और मालिक की एक निगाह एक तरफ। अल्लाह अकबर, कितने कितने नकम्मे और कितने कितने सरकश मुतकब्बिर और कितने कितने बदकार, लेकिन अल्लाह उनका रिस्क नहीं रोकता, उनका पानी नहीं रोकता, उनकी ऑक्सीजन नहीं रोकता। वो अगर चाह ले कि मैं इनको मजबूर कर दूं तो एक सेकंड में ना कोई निकाल सके। इंसान इतना मजबूर है, शेख सादी फरमाते हैं अंदर वाला सांस बाहर ना आए तो बंदा क्या कर सकता है, बाहर वाला सांस अंदर ना जा सके तो बंदा क्या करता है, निजाम इन्हिजाम ठीक ना रहे, कोई चीज हलक से नीचे ना उतर सके तो क्या कर सकता है, इसका पेशाब रुक जाए तो इसको दिन को तारे नजर आ जाते। इंसान तू है क्या, तुझे नाज किस बात पे है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किस चीज ने मगरूर किया है, तेरे पास है क्या, दौलत हुस्न जवानी इक्तदार सेहत, वो चीज तो बता कि जिस पे तुझे नाज है, उसकी तौफीक के बगैर तो तू एक कदम नहीं चल सकता, तू सांस नहीं ले सकता, तो फिर नाज किस बात पे है, गुरूर किस बात पे है। और उसी का दर छोड़ के भाग गया जिसने तुझे जिंदगी दी, उसी की दहलीज से बगावत कर गया जिसने तुझे तखलीक किया, उसी के हुक्मों को तोड़ रहा है जो तुझे जिंदगी की सारी बहारें बहम पहुंचा रहा है। पांच मरतबा आवाज आती थी, हैया अलस्सलाह हैया अलल फलाह, आजा नेकी की तरफ, तूने कभी परवाह ही नहीं की। लेकिन सुबह जब उठता है तेरा रिस्क बंद नहीं हुआ होता, तुझे नाश्ता उसी तरह मिलता है, तुझे ऑक्सीजन ताजा मिलती है, तुझे नेमतें नसीब होती हैं। बता कायनात में कोई ऐसा भी है जिस तरह तेरा रब है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो शय कौन सी है जिसने तुझे करीम रब से गाफिल कर दिया। तो आजा पलट के, तो इस आयत करीमा में भी इसी उनवान को मौजू सुकर बनाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह से डरना इस मफहूम में है कि बंदा डरता है कि मालिक कहीं नाराज ना हो जाए, वो रूठ ना जाए, मेरी जिंदगी का सारा हुस्न उसकी रजा से है, और अगर वो रूठ गया तो मेरे पल्ले रहेगा क्या। देखिए जब अल्लाह रूठता है नाराज होता है तो रिस्क बंद नहीं करता, अल्लाह नाराज होता है तो ऑक्सीजन बंद नहीं करता, सूरज को हुक्म नहीं होता कि फला मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए, चांद को मना नहीं किया जाता, फला के आंगन में चांदनी नहीं बखेरनी, ऑक्सीजन रोक दी नहीं जाती, खाने रोक नहीं दिए जाते। जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाता है हिदायत रोक देता है, अल्लाह किसी से नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है, अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक नहीं मिलती, अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो खशियत इलाही के जज्बे छीन लिए जाते हैं, तो वो ये दौलतें ले लेता है। बंदा समझता है मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता, और तू कौन है ना जाने वाला, वो बुलाता ही नहीं है, तुझे तौफीक के सजदा ही नहीं देता, तो तू कौन है, तू तो भागता हुआ जाए। यार किसी को कार्ड आया हो किसी मिनिस्टर का तो वो कई लोगों को दिखाता फिरता है, आजकल तो वो जो है वो शेयर कर देते हैं, जी मुझे फलाने बुलाया है, तो लोग जलियां डालते हुए जाते हैं, फलाने बुलाया, तो रब ने बुलाया हो तो कोई जाए ना, ओ मियां तुझे उसने फिर बुलाया ही नहीं। तेरे से नाराजगी ऐसी है कि तेरे कानों से आवाज तो टकराई है लेकिन तेरी रूह तक नहीं पहुंची, उसने रोक दिया है रास्ते में। अल्लाह फरमाता है कि हम उनके कानों में पर्दे डाल देते हैं, उनकी आंखों पर पर्दे डाल देते हैं, उनके दिल पे पर्दे डाल देते हैं। तो बंदा कहता है मैं नहीं पढ़ता, तू कौन है ना पढ़ने वाला, वो तुम्हें बुलाता नहीं, इस काबिल नहीं समझा गया, क्योंकि तूने उसके हुक्मों से मुंह मोड़ा, उसकी फर्मा बर्दारी को छोड़ा, तो फिर उसने भी तुझे रानदा इधरदार कर दिया, और भटकता फिर सवेर से लेकर शाम तक किस किस को सल्यूट करता है, लेकिन तुझे तौफीक नहीं होगी उसकी हुजूर सजदा रेजी की। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई सजदा रेजी नहीं करता, अल्लाह के हुजूर झुकने की अगर किसी को आदत थी तो वो मत समझे कि मैं नहीं करता। अल्लाह अकबर, उससे छीन ली जाती है तौफीक, छीन ली जाती है तौफीक। तो अल्लाह से तौफीक मांगो कि अल्लाह हमसे कभी भी अपनी तौफीक न छीने, हमेशा हमारी पेशानियों को सजदे नसीब कर। तो कहा ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह अकबर, यदि उससे मोहब्बत करते हो तो उसकी नाराजगी से डर।